नमस्कार, हूँ आदर्श छू। वेलकम टू आदर्श एजुकेशन सोसाइटी। हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप अच्छे ही होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 4, सब्जेक्ट है हमारा हिंदी। भाई, हिंदी तो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, मुझे पता चल गया है, क्योंकि छोटा सा कोर्स और क्या इजी सा कोर्स। पहले चैप्टर में तो जी भाई क्या आता है, पिक्चर, और पिक्चर के ऊपर से शब्द, कौन सा पिक्चर है उसे पहचानना है। दूसरे में चलो मुझे बताओ, थोड़ा हार्ड है लेकिन इतना भी नहीं जितना आप कहते हो। क्या चैप्टर दिस में यह वह, यह ये वह वे, आप हम तुम, इसे कैसे पुकार कर बुलाते हैं वह है चैप्टर नंबर तीसरा। वो भी इजी, और चैप्टर नंबर फोर वो भी इजी। 1 to 20 की गिनती है तीसरे चैप्टर में और चौथे चैप्टर में। अरे भाई, अपने बारे में, मेरा नाम, मेरे पिता का नाम, मेरी माता का नाम, भैया का नाम, चाचा का नाम, चाची का नाम, बुआ का नाम, और किसे संबंध में क्या कहते हैं, वो भी आज हमारे रिवीजन में आने वाला है। तो नाउ स्टार्ट हमारा रिवीजन, चैप्टर 1 to 4। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित शब्दों पर से वाक्य बनाइए। भाई, वो तो कितनी बार गेम खेल चुके हैं, इसमें तो मैंने 5 दिए हैं, लेकिन हम ज्यादा से ज्यादा करेंगे। रिवीजन है ना, रिवीजन हो जाएगा। पहला शब्द है, चलो भाई, अंगूर। अंगूर बहुत खट्टा होता है। एक 5-5 सेंटेंस बनाएंगे। अंगूर बहुत खट्टा होता है, अंगूर काले रंग का होता है, अंगूर हरे रंग का होता है, अंगूर हरे भी आते हैं और सूखे भी आते हैं, मुझे अंगूर बहुत पसंद है। 5 में से जो आपको चॉइस हो आपका फेवरेट वो लिखना, ओके। उसके बाद है केला। केले पीला रंग का होता है, केला मुझे बहुत पसंद है, मैंने आज 2 केले खाए। केला में से ज्यादा विटामिन्स मिलते हैं, मैंने आज लारी में से केले खरीदे। उसके बाद है चाचा। मेरे चाचा का नाम रमेश भाई है, मेरे चाचा अहमदाबाद में रहते हैं, मेरे चाचा का बहुत बड़ा व्यापार है, मेरे चाचा बाहर गांव गए, मेरे चाचा सो रहे हैं। उसके बाद है मछली। मछली जल की रानी है, मछली रंग बिरंगी होती है, मछली पानी में रहती है, मछली को दाना खिलाओ तो खा जाती है, मुझे मछली बहुत पसंद आती है। उसके बाद का है गिनती। मुझे गिनती पढ़ना अच्छा लगता है, हमारी पढ़ाई में गिनती 1 से 20 तक की आती है। गिनती हमारे जीवन में बहुत जरूरी है, गिनती गिनना आवश्यक है। आप जो भी सेंटेंस लिखना सकते हो आप लिख सकते हो। उसके बाद का है प्रश्न नंबर 2, सही जोड़ मिलाइए। मैं आपको यहाँ पर सही जोड़ वाला बताती हूँ, ओके। देखिए, थोड़ी सी ऊपर नीचे हो गई है, ओके, कोई बात नहीं है। पिता, चलो मैं बोर्ड की बताती हूँ, पिता, भाई, चाचा, मामा और दादा, वो पहले क्वेश्चन में आता है। ओ में, यानी कि ब में आता है माता, भाभी, चाची, मामी, दादी। आप अपने रिश्ते तो जानते हैं ना, पिता, माता, चाचा के साथ चाचा, बुआ के साथ बुई नहीं आती है, फूफा आता है। देखना मैडम, कहीं आड वाला ना निकाल दे, बुआ के साथ फूफा आता है, क्योंकि हम फूई कहते हैं ना, लेकिन हिंदी में बुआ कहते हैं। तो पिता के साथ पहला आंसर आएगा माता, भाई के साथ भाभी, चाचा के साथ चाची, मामा के साथ मामी, वो तो गुजराती में वही होता है, हिंदी में वही होता है, दादा के साथ हमारी फेवरेट दादी,
दादा और दादी सबको बहुत प्यारे लगते हैं, है ना? यस। उसके बाद है प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित शब्दों को अंकों में लिखिए। हमें क्या करना है? नो। कैसे लिखते हैं? चलो मैं आपको सिखाती हूँ। देखिए, नो और एक का भेद देख सकते हो आप। देखिए, इसे कहेंगे नो। पहला उत्तर है हमारा नो, ये होता है ये गलत है, ये सही। उसके बाद का अंग हमारा है सात। लिखना है हमें सात। कैसे लिखेंगे? दूसरा आंसर ये है सात। सात तो आपको आता है इसीलिए, लेकिन उसका छोड़ थोड़ा ऊपर कीजिएगा। ओके, उसके बाद का है 19, तीसरे नो। इसमें एक और नौ का भेद पता चलेगा। ये रहा एक और ये रहा नौ। एक का मुंह इधर है और नौ का मुंह उधर है। 1, 9, 19। उसके बाद है 12। मैं क्रम में गलत हो गई हूँ, ओके कोई बात नहीं, आप सही लिखिए 1, 2, 12। ओके, पहला है हमारा क्या इसी था वो 1, 1, 11। तो ये हुआ हमारा निम्नलिखित शब्दों को अंकों में लिखिए, वह हुआ कंप्लीट। उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित शब्दों को उदाहरण के अनुसार लिखिए। चलो भाई उदाहरण भी देखना पड़ेगा। उदाहरण में है लड़का, तो लड़की उदाहरण के अनुसार है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसे वचन परिवर्तन कहते हैं। एक है तो अकेला लड़का और ज्यादा है तो क्या बोल सकते हैं? लड़के। इसलिए यहाँ घोड़ा लिखा गया है क्वेश्चन में, तो आप उसके आंसर में क्या लिखेंगे? एक है तो घोड़ा, ज्यादा है तो घोड़े। उसके बाद है बच्चा, तो एक अकेले बच्चे को हम हमारे पास अकेला रहे तो बच्चा। अब ब्रेक का टाइम है, सभी लोग नाश्ता कर रहे हैं तो क्या कहेंगे? बच्चे। क्या कहेंगे? बच्चे। जहां पर बहुवचन आएगा ना उसके ऊपर बिंदी लगाना कंपलसरी हो जाएगा। ओके बेटो, मछली उसमें ज्यादातर गलती होती है जोड़ने में। मछलियां कभी पर निरस्व हो जाता है या के ऊपर चंद्र बिंदी लगती है। दिखाई दे रहा है ना? मछलियां निरस्व और या चंद्र बिंदी। पेंसिल, तो क्या होगा उसका? पेंसिल ले के ऊपर बिंदी लगती है। ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। उसके बाद आता है हमारा प्रश्न नंबर 5, उसमें भी ऐसा ही है, निम्नलिखित शब्दों के उदाहरण के अनुसार लिखिए। उसमें उदाहरण दिया गया है राजा यानी कि रानी। इसे कहते हैं उदाहरण के अनुसार, अभी तो आप छोटे हैं इसलिए ऐसा दिया जाता है, नहीं तो उसे क्या कहेंगे? लिंग परिवर्तन। ओके, देखिए उसमें पहला है शिक्षक, तो उसका उत्तर आएगा शिक्षिका। ओके, और लिंग परिवर्तन किसका आता है? जो जिंदा होते हैं उसका ही होता है। बंदर, तो आप क्या लिखेंगे? बंदरिया, ये रस्व हो जाएगा। ओके, उसके बाद है मो, वो गीत तो आपने सुना ही होगा ना, नानी तेरी मोरनी को मोर ले गया, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। उसके बाद है माता, तो माती नहीं होती है, पिता होता है। ओके, उसके बाद का है दादा, दूसरी बार आया तो आपकी फेवरेट, उसके सामने लिखेंगे दादी। डन, ये पांचों के पांचों उत्तर यानी कि आज की हमारी वर्कशीट हो गई कंप्लीट। मैंने यहाँ पर वचन परिवर्तन और लिंग परिवर्तन ऐसा नहीं लिखा है, फिफ्थ में से ऐसा आएगा, लेकिन आपको पता हो इसलिए मैंने बोल दिया।
थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस।